अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एफपीएससी लेक्चर इंग्लिश, जो फीमेल्स का टेस्ट एक्सपेक्टेड है मार्च एंड या अप्रैल स्टार्ट में। और ये जो एड आई थी ये अगस्त में आई थी बेटे, मेल्स के जो एग्जाम्स हैं वो हो चुके हैं और जो फीमेल का एफपीएससी लेक्चर इंग्लिश का पेपर है ये मार्च एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। और अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम इसके दो सेशंस कंप्लीट करा चुके हैं एफपीएससी लेक्चर के, जो हमने अगस्त से स्टार्ट किए थे। और ऑनवर्ड मेरा बेटा एफपीएससी लेक्चर इंग्लिश का ये हमारा थर्ड सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। और पहले दोनों सेशंस में हमारी जो बच्चों की स्ट्रेंथ थी वो अल्हम्दुलिल्लाह 70 प्लस स्टूडेंट्स थे हर हमारे बैच के अंदर। तो बेटे इसमें मैं आपको बता दूं कि एफपीएससी का जो पेपर पैटर्न है इंग्लिश लेक्चर के हवाले से वो 100 मार्क्स का एमसीक्यूज का एग्जाम होता है, जिसमें 50% जो है वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड होता है, यानी उसमें लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स होता है, 20% इंग्लिश ग्रामर होती है और 30% में पैडागोजी के 4 से 5 टॉपिक्स हैं, जिनके अंदर मेरा बेटा टीचिंग टेक्निक्स है और क्लासरूम मैनेजमेंट है, देन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन है और लीडरशिप, और इसके अलावा मेरा बेटा डिसिप्लिन है। तो बुनियादी तौर पर बेटे अगर हम बात कर लें जो 50% पोर्शन है इंग्लिश का लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के हवाले से, तो एफपीएससी का जो पेपर है इसका पहले सिलेबस ये होता था, जो ओल्ड सिलेबस था एफपीएससी का, और जो बॉयज की जो एड थी, मेल्स की जो एड थी वो पहले आई थी और उसमें मेरा बेटा उसका जो पैटर्न था वो ओल्ड था, जिसमें लिटरेचर के पोर्शन में 9 प्लेज थे। लेकिन अब एफपीएससी का जो पेपर पैटर्न है वो अपडेट हो चुका है, आप उनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, लिटरेचर 16th century to 20th century है उसमें, यानी कि एलिजबेथन एज से स्टार्ट होता है और देन 20th century तक आप उसको प्रिपेयर करेंगे। और इनमें जो सारी एजेस हैं 16th century to 20th century, इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स, इनकी लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स और साथ साथ उस टाइम स्पैन में जो फ्लरिशिंग लिटरेरी जॉनराज हैं और जो बड़े राइटर्स हैं उनको आप प्रिपेयर करेंगे। लिंग्विस्टिक्स के हवाले से मेरा बेटा आप देखेंगे व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज और डिफरेंट स्कूल्स आप देखेंगे लैंग्वेज के, और देन आप लिंग्विस्टिक्स को देखेंगे व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स, ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स के डिफरेंट स्कूल्स को देखेंगे, और ग्रामर के हवाले से बेटे आप सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग को देखेंगे, वकैब को देखेंगे और सेंटेंस करेक्शन को देखेंगे, देन एक्टिव पैसिव को देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और प्लस सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की करेक्शन है। और पेडागोजी का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो ये पूरे का पूरा 100 मार्क्स का ये जो 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है, ग्रामर में, पेडागोजी में और लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में। तो इसका हमारा न्यू सेशन जो है वो 20 फेब से स्टार्ट होने जा रहा है और ये कंप्रिहेंसिव हमारा सेशन होगा 50 टू 60 डेज का, जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स की, पैडागोजी की और प्लस इंग्लिश ग्रामर की। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, इस वीडियो के एंड पे भी आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बेटे देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का मेथड मैं आपको बताता चलूं कि हमारे गिवन नंबर्स पे आप अपनी फीस सबमिट करते हैं, 5000 हमारे चार्जेस हैं, और मेरा बेटा आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, नेम और क्वालिफिकेशन शेयर करेंगे तो आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और पेड ग्रुप में आपके साथ सिलेबस ब्रेकअप शेयर होगा जिसमें डेट्स मेंशन होंगी और डेट्स के अकॉर्डिंग मेरा बेटा टॉपिक वाइज जो है वो आपके साथ हम नोट शेयर करेंगे, जिनमें सब्जेक्टिव भी होगा, वन लाइनर भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, और आप मेरा बेटा उसको प्रिपेयर करेंगे। गिवन डेट पे आपका उसका 7 PM पे टेस्ट होगा, 8:30 PM उसकी क्यू शेयर करेंगे और 8:30 to 10 PM उसकी डिस्कशन होगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा बेटा तो आप 20 फेब से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।